दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम से किसी भी वीडियो को या फिर किसी भी रील्स वीडियो को अगर अपने फोन की गैलरी में सेव करना चाहते हैं वो भी विद साउंड के, तो उसको किस तरह से कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता है कि जब इंस्टाग्राम में हम किसी वीडियो को ओपन करते हैं वहाँ पे 3 डॉट पर जाने के बाद हमें सेव का बटन मिलता है, लेकिन वहाँ से अगर उस वीडियो को हम सेव करते हैं तो उसमें वॉइस नहीं आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप किसी भी इंस्टाग्राम वीडियो को अपने मोबाइल की गैलरी में सेव कर पाएंगे, वो भी उसके म्यूजिक या वॉइस के साथ। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं किस तरह से इंस्टाग्राम वीडियो को अपने मोबाइल की गैलरी में सेव किया जाता है, किस तरह से डाउनलोड किया जाता है विथ साउंड के, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सब वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम हमने ओपन कर लिया है। अब जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं तो यहाँ पे काफी सारे वीडियोज हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हम रील्स पे होते हैं तो रील्स पे भी हमें काफी सारे वीडियोज देखने को मिलते हैं। अब इनमें से कोई वीडियो अगर हमें पसंद आ जाता है, उसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो सिंपली जैसे हम 3 डॉट पे जाते हैं, डॉट पे जैसे ही टैप करते हैं तो यहाँ पर हमें सेव का बटन मिल जाता है, लेकिन इससे ये इंस्टाग्राम में सेव होता है। लेकिन अगर आप इसे मोबाइल की गैलरी में विद साउंड के सेव करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, तीसरे नंबर पर आपको कॉपी लिंक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर टैप करके इसके लिंक को कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड किया है, आपको उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पर आएंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है जिसके नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है, तो आपको इस ब्लैंक बॉक्स में उस वाली लिंक को पेस्ट कर देना जो हमने इंस्टाग्राम से कॉपी की है। इसके बाद सिंपली आपको डाउनलोड के बटन पर टैप कर देना है। जैसे आप डाउनलोड के बटन पर टैप करेंगे वही वीडियो आपका यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही वीडियो हमारा ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एज वीडियो का बटन मिलेगा, आपको सिंपली इस बटन पर टैप करना है। जैसे आप इस बटन पर टैप करेंगे तो आपका वीडियो इस तरह से ओपन हो जाता है। अब वीडियो ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड आपको स्पीकर का आइकन देखने को मिलता है, इसके बाद फुल स्क्रीन का बटन देखने को मिलता है, इसके बाद आपको 3 डॉट देखने को मिलते हैं। आपको सिंपली 3 डॉट पर जाना है और 3 डॉट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपका वीडियो आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाएगा। जैसे कि चलिए मैं यहाँ से बैक ले लेता हूँ। अब बैक लेने के बाद चलिए मैं अपने मोबाइल की गैलरी को यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए फोटोज में चलते हैं, इसके बाद चलिए लाइब्रेरी को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड फोल्डर को हम जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर हमारा वीडियो आ चुका है और यहाँ पर आप इसका वॉइस भी सुन सकते हैं। चलिए मैं इसको ऐसे पॉज कर देता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी इंस्टाग्राम वीडियो को अगर आप म्यूजिक के साथ अपने मोबाइल की गैलरी में सेव करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सब वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।